जलालुद्दीन गजनवी जिंदाबाद, जलालुद्दीन गजनवी जिंदाबाद, जिहाद है कश्मीर जिंदाबाद, जिहाद है कश्मीर जिंदाबाद। अफरीन अफरीन, इस्लाम के बहादुर सिपाहियों, इस्लाम के बहादुर बच्चों, मैं आज यहां हिंदुस्तान की इस नापाक जमीन पर सिर्फ इसलिए आया हूं कि तुम लोगों तक जिहाद का मुबारक पैगाम पहुंचा दूं। इस्लाम के जिहाद में अपने ही खून से अपनी ही शहादत लिखवाने वाला इस्लाम की निगाह में सच्चा मुसलमान है। सच्चा मुसलमान वही है जो इंसाफ के लिए लड़ता है। सच्चा मुसलमान वही है जो अपने हक के लिए लड़ता है। हमें कमजोर समझा गया, बुजदिल समझा गया, हमारी अमन परस्ती का मजाक उड़ाया गया, लेकिन अब मेरे सिपाहियों, अब मेरे बच्चों, अब सब्र का इम्तिहान खत्म हुआ। अब हमारा प्यारा कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत बनेगा। उस मुकद्दस जमीन पर सिर्फ इस्लाम का परचम लहराएगा, सिर्फ इस्लाम का परचम लहराएगा। अब बोलो मेरे साथ, आजाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर, हमें अभी खबर मिली है कि महाबलेश्वर टाउन के एक टूरिस्ट रिजॉर्ट को कुछ दहशतगर्दों ने अपने कब्जे में ले लिया है। क्या महाबलेश्वर में? और सर, बहुत सारे टूरिस्ट उनकी गन पॉइंट पे हैं। इंस्पेक्टर कोहली रिपोर्टिंग सर। यस इंस्पेक्टर कोहली, टेल मी। सर, 5 लोग हैं। चाहते क्या है वो? डिमांड्स क्या है उनकी? वो तो मुझे नहीं मालूम सर, बट आई थिंक वी कैन टेक देम। श्योर? ऑफ कोर्स सर, हम संभाल सकते हैं इन्हें। बी वेरी केयरफुल इंस्पेक्टर कोहली, हमें किसी भी कीमत पे हॉस्टेजेस की जान बचानी है। श्योर सर, मूव। धमाकों की आवाज कैसे आ रही है? What's happening? धोखा सर, ये 5 नहीं 15-20 आदमियों का ग्रुप है सर।
इनके पास लेटेस्ट आर्म्स हैं सर। इन्होंने हमारी दो गाड़ियां और बहुत से जवानों को उड़ा दिया सर। आखिर ये लोग हैं कौन, चाहते क्या है ये? जलालुद्दीन नाम है मेरा, जलालुद्दीन गजनवी। हिंदुस्तानी सरकार को हमारी जानिब से धमाकों की ये सलामी पेश है। मुझे और मेरे साथियों को तुम्हारे इस मुल्क की सरहद के उस पार पहुंचना है जल्द अज जल्द और सही सलामत। हमारी मांगे हैं हेलीकॉप्टर्स, फ्यूल और रिफ्यूलिंग का पूरा बंदोबस्त। ये चीजें हमें चाहिए फौरन। सर ये हमने सब कुछ सुन लिया इंस्पेक्टर, तुम उससे बात करो, उससे वक्त मांगो। हमें वक्त चाहिए जलालुद्दीन, सरकार को सोचने का मौका दो। सिर्फ 3 घंटे की मोहलत दी जाएगी, 3 घंटे के अंदर तमाम मांगी हुई चीजें यहीं मौजूद होनी चाहिए हमारे सामने। सर वो 3 घंटे की, 3 घंटे में कुछ नहीं हो सकता, उससे और वक्त मांगो। सर 3 घंटे का समय बहुत कम है जलालुद्दीन, सरकार को तुम्हारी मांगों को पूरा करने के लिए और वक्त चाहिए। गफ्फार, सर उसने एक लेडी होस्टेज को गोली मार दी सर। सर ये आदमी पागल है और ये आदमी कुछ भी कर सकता है सर। लगता है उसकी डिमांड्स मानने के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी डिमांड्स पूरी करने की तैयारी कीजिए। एक रास्ता है सर। क्या? एक एजेंसी है जो इन 3 घंटों का इस्तेमाल बराबर कर सकती है। कौन? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। इस रास्ते पर जहां पुलिस बैरिकेड लगा है यहां से अप्रोच पॉसिबल नहीं है। यू टू, आप दोनों का पोस्ट यहां होगा। आप दोनों का पोस्ट यहां होगा। मैं क्लिफ की तरफ से चढ़ूंगा। 4 मिनट के अंदर अगर आपको मुझसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो आप चापर लेके आ जाइएगा। गुड लक जेंटलमैन। सर सलीम, we'll be right back.
कौन हो तुम? हमीद, अब्दुल हमीद। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बरखुरदार, मजहब की खिदमत करने का मौका अल्लाह ताला सिर्फ नसीब वालों को देता है, आज उसने तुम्हें मौका दिया है। छोड़ दो मुझे, अल्लाह ताला तुम्हें मालामाल कर देगा, दौलत के ऐसे पहाड़ पर बिठा देगा जहां तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारी हर आरज़ू तुम्हारे कदमों को चूमेगी। अब छोड़ दो मुझे, आजाद कर दो मुझे। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। आज महाबलेश्वर में एक टूरिस्ट रिजॉर्ट से एक खूंखार आतंकवादी जलालुद्दीन गजनवी को भारतीय थल सेना के एक जांबाज ऑफिसर मेजर अब्दुल हमीद ने अकेले ही पूरे टेररिस्ट ग्रुप का मुकाबला करते हुए गिरफ्तार किया। आतंकवादी जलालुद्दीन गजनवी पर कई सार्वजनिक बम विस्फोटों, 24 राजनैतिक हत्याओं व 5 VIP लोगों के अपहरण का इल्जाम है। इस साहसिक कारनामे के लिए प्रधानमंत्री ने मेजर अब्दुल हमीद को सम्मानित किया। इससे पहले भी कारगिल अभियान में परमवीर चक्र द्वारा मेजर अब्दुल हमीद को सम्मानित किया जा चुका है। पूछताछ जारी है मंत्री जी, हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन वो जब भी मुंह खोलता है तो आपसे मिलने की बात कहता है। मुझसे? कहता है कि सिर्फ एक बार अगर आपसे मिलवा दिया जाए तो उसके बाद वो सब कुछ बता देगा। ठीक है, हम अभी आते हैं। राइट सर। तुम मुझसे मिलना चाहते थे, बोलो। मैंने ये भी कहा कि मैं अकेले में मिलना चाहता हूं तुझसे। अब बोलो। फजूल बात करना मेरी फितरत नहीं है, इसलिए साफ बोलता हूं। कीमत बता मिनिस्टर। किस बात की कीमत? आजादी की कीमत। अब सोच ले मिनिस्टर, मुझे आजाद करेगा या नहीं? तुम्हें आजाद कर दूं ताकि फिर तुम मासूम बच्चों की बसों में बम्स लगाओ, तुम्हें आजाद कर दूं ताकि बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पे और बेगुनाह लोगों की जाने लो, तुम्हें आजाद कर दूं ताकि फिर कोई प्लेन हाईजैक हो, तुम्हें आजाद कर दूं ताकि खून खराबे और दहशत गर्दी का सिलसिला बरकरार रहे। बेवकूफ ना बन मिनिस्टर, मौके का फायदा उठा और बटोर ले दोनों हाथों से दौलत, बन जा इस दुनिया का सबसे दौलतमंद शख्स। रही मेरी बात तो कुछ लाशें और बिछा दूं, कुछ घर और जला दूं,
तुझे क्या फर्क पड़ेगा, तेरा अपना घर तो महफूज ही रहेगा ना। पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है और इस देश की 100 करोड़ जनता मेरा परिवार। घर के किसी कोने में आग लगे तो उसकी तपिश पूरा परिवार महसूस करता है। जल ही तो रहा है तेरा हिंदुस्तान, चिंगारी की एक ढेर पर बैठा है तेरा मुल्क, बस उस चिंगारी को थोड़ी सी हवा देने की जरूरत है, फिर देखना कैसे वो चिंगारी भड़ककर शोला बनती है और तेरा हिंदुस्तान जलाकर राख कर देती है। मिनिस्टर, हमने कसम खाई है कि जब तक दिल्ली के सर पर हम अपना परचम नहीं गाड़ देते, तब तक ना तो हम चैन से बैठेंगे और ना ही हम तेरी सरकार को चैन से बैठने देंगे। तरस आता है तुम्हारी बीमार सोच पे। मोहम्मद जलालुद्दीन, कभी अपनी औकात के बारे में सोचा है? हो क्या तुम लोग मुट्ठी भर कीड़े मकोड़े जिन्हें हम जब चाहे मसल कर कुचल कर रख दें, जब चाहे मिट्टी में मिला दें? ये तो हमारी शराफत और इंसानियत है जो हर बार हमारा हाथ बांध देती है और हम बख्श देते हैं तुम लोगों को, और तुम लोग हमारी शराफत और इंसानियत को हमारी कमजोरी समझते हो। मगर ये मत भूलो मोहम्मद जलालुद्दीन, जिस दिन हम अपनी शराफत और इंसानियत को भूलकर सामने आए, उस दिन तुम और तुम्हारे लोग नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे हम तुम्हारे सरपरस्त मुल्क की बुनियादों को। तुमने हिंदुस्तान की शांति देखी है, हिंदुस्तान की क्रांति नहीं देखी। हिंदुस्तान का सब्र देखा है, हिंदुस्तान का जुनून नहीं देखा। उस जुनून से डरो मोहम्मद जलालुद्दीन, क्योंकि जिस दिन हमने अपना फैसला देश के नौजवानों के हाथों में दे दिया, उस दिन तुम्हारा यह किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अबे तू क्या गाड़ेगा अपना परचम दिल्ली में, उसके पहले हम तुझे जमीन खोद कर गाड़ देंगे।
Hey dude. Hi. How are you? Johnny. Welcome yaar. Hi. Welcome friends. Aur वैसे भी VIP log late hi aate hain. Come on Tony, don't joke yaar. Okay yaar. Come on yaar, join the party yaar. Oh Joseph. Yeah. Char black label chill, jaldi. Kyo? Main daru nahi peeta. Dekh dost, aaj sharab main bhi nahi piunga. Kya? Sharab nahi piyega? Kyon? So I don't understand yaar. Jab tak main ghar nahi jata hu na, tab tak mummy jaagti rehti hai. Aur agar main pee ke jaunga, to mummy ko malum pad jayega. तो बैंड बज जाएगी और क्या? क्या यार इतना बड़ा होके भी मम्मी से डरता है? देख दोस्त, सब बड़े होते हैं मगर अपनों से बड़ा कोई नहीं होता। अच्छा अच्छा, कोल्ड ड्रिंक तो चलेगी ना? हाँ वो चलेगी। ए जोसेफ, ये दोनों को कोई चुप कराओ यार। नो विस्की नो दारू, सिर्फ चार कोल्ड ड्रिंक, वो भी जल्दी। ए सुन, हाँ टोनी, वो लड़की कौन है? वो सामने ब्लैक ड्रेस में और लंबे बालों वाली कौन? वो जो ग्रुप में डांस कर रही है, वो तो अपनी मिस मिलेनियम है यार। मिस मिलेनियम अपना नाम है यार, दोस्त उसे मिस मिलेनियम बुलाते हैं। तू देख नहीं रहा यार, ऊपर वाले ने कितनी फुर्सत से बनाया। पसंद आई क्या? बात करो क्या? रुकना सपना। ए टोनी, एक सेकंड, क्या कर रहा है यार? ए रुकना, अरे तुम अभी तक लगे हो, इन्हें कोई समझाता क्यों नहीं? चिंटू, चिंटू, मीट माय फ्रेंड सपना। हाय। हेलो। एंड ही इज चिंटू, हिज फुल नेम इज चैतन्य सूर्यवंशी। ये होम मिनिस्टर का बेटा है, एम सूर्यवंशी जी का। ओह हाय। चिंटू बहुत बढ़िया डांस करता है। अच्छा, यकीन नहीं तो साथ डांस करके देख लो। जरूर, अगर आपके दोस्त को कोई एतराज ना हो तो। नो नो, इट्स माय प्लेजर। तो चले। तू दिल को जोड़ दे, शर्माना तू हमसे छोड़ दे, माने न माने ये दुनिया, दुनिया की रस्मों को तोड़ दे। क्या हीरे मोती है क्या, प्यार से प्यार कर, प्यार से दिल लगा। दीवानों से दिल का सौदा कर, दीवानों में नाम कर ले तू। आ मेरी मोहब्बत के साए में, आ दिन में ही शाम कर ले तू। प्यार में है जादू, कर दे बेकाबू, दिल में है तू ही तू ए मेहरबान। तो
सोन का चांद का हीर मोती है क्या, प्यार से प्यार कर प्यार से दिल लगा। हम दीवाने प्यार के हैं, हम दीवाने यार के हैं। चाहत के ये ही फसाने हैं, हद से गुजर जाते हैं ये दिल वाले, उनकी ठोकर में है ये जहां। Hey, what happened? Then it's done. प्यार से प्यार कर प्यार से दिल लगा। हम दीवाने प्यार के हैं, हम दीवाने सुधरेगा नहीं तू। तू दिल को छोड़ दे, शर्माना तू वो देख, छोड़ दे, छोड़ दे। माने ना माने ये दुनिया, हाँ बड़ी कटीली नचनिया है। जरा पूछ के तो आ, किस चक्की का पिसा आटा खाती है चमिया? क्या बाप, एकदम सही बोला, एकदम सही है। छोड़ा मत, ये एक्सक्यूज मी, यस, वो जो वहाँ पे बैठे हैं ना, वो जानना चाहते हैं कि आप कौन सी चक्की का आटा खाती हैं। देखा, फिट है साला। आई एम जीएस मैम। ए, यू माइंड योर लैंग्वेज, ओके? ए बॉब यार प्लीज, यार पार्टी खराब। चले टोनी, बहुत हो गया इसका, सामने से हट। ए बॉब यार प्लीज, बाजू हटवाना, चीर के रख दूंगा तेरे को। ए बॉब पागल है क्या? और तुमने आशीष, तुमने क्या किया था भाई? लड़ाई उन्होंने शुरू की थी सर, गलत बात है, इसलिए हमको भी लड़ना पड़ा। हाँ अब की बार तो बच गए हो तुम। हाँ, बच गए, बिल्कुल पहुंच गए। आगे देख लेना। मिस्टर सिंह, आपने इंस्पेक्टर को बताया क्यों नहीं? क्या? कि चिंटू का पापा होम मिनिस्टर है। इंस्पेक्टर खामोखा लेक्चर सुना दिया। इसी ने मना किया था। क्यों चिंटू, ये सब क्या है? सर वो क्या है ना कि बस बस, अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पापा के रुतबे का ना सही, अपनी मम्मी की इज्जत का तो ख्याल किया होता। हेलो,
हेलो मैडम, मैं पवार बोल रहा हूँ। चिंटू, नीचे आओ। चिंटू, आज जो तुमने किया उसे सुनकर शर्म से मेरा सर झुक गया है। चिंटू, चिंटू मैं सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं, प्रिंसिपल भी हूं तुम्हारे स्कूल की। प्रिंसिपल, दुनिया भर के लोग अपने बच्चों का हमारे स्कूल में इस उम्मीद से एडमिशन कराते हैं कि हम उनके बच्चों को सही रास्ते पर ले जाएंगे, लेकिन उन्हीं लोगों को मालूम होगा कि हमारे अपने बच्चे दिशाहीन हैं, भटके हुए हैं, तो कितना मार होगा हमारा और हमारे स्कूल का। मामा, लगता है आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। मेरा कोई कसूर नहीं था, जो भी हुआ था बॉब की वजह से हुआ था। वजह कुछ भी हो, पुलिस स्टेशन गए थे ना तुम? अगर ये बात लिखोट हो जाती तो कितना हंगामा होता, लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाता। प्रेस और मीडिया ऐसे पॉलिटिकल इश्यू बना लेते कि तुम्हारे पापा की पोजीशन और रुतबा बनाए रखना बहुत भारी पड़ जाता। पापा की पोजीशन और आपकी इज्जत का ख्याल है मुझे, मगर मैं भी एक इंसान हूं मामा, मेरी भी कोई फीलिंग्स है, कमजोरियां हैं। मैं भी दूसरे बच्चों की तरह खुली हवा में बेखौफ सांस लेना चाहता हूं, खेलना चाहता हूं, एंजॉय करना चाहता हूं। डोंट आई हैव अ राइट टू लिव माय लाइफ द वे आई वांट टू मामा? शाबाश बेटे, शाबाश। ये हुई ना शेरों वाली बात, हम खुश हुए। हमें ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि हमारा बेटा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। बेटे, हमने तुम्हारी सारी बातें सुनी, हमें कोई हक नहीं तुम्हारी आजादी या तुम्हारी पसंद पे अंकुश लगाने की। तुम्हारी अपनी सोच है, अपना लाइफ स्टाइल है, और फिर ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन तुम्हें अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा बदलना ही पड़ेगा, किसी प्रिंसिपल या किसी मिनिस्टर के लिए नहीं, बल्कि अपने मां बाप के लिए, जो दुनिया के बाकी मां बाप की तरह ही अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी बहुत कदर करते हैं, तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं। लेकिन आज जो हुआ सो हुआ, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। बदले में हम तुम्हारी आजादी पे कोई अंकुश नहीं लगाएंगे। हाय। ओ हाय चिंटू, दिनू दो चाय भेजियो, मुझे कोई जरूरी बात करनी है तेरे से। जानता हूँ यार, जानता हूँ कि तेरा इतनी सुबह आने का मतलब क्या है। वो कैसे? ए इतना भोला मत बन दोस्त, कल रात को याद है सपना से कितना चिपक चिपक के डांस कर रहा था? अगर कोई अंधा भी देख लेता ना तो समझ जाता कि मामला गड़बड़ है। अच्छा ये बता, बिल्कुल सच? अच्छा हाँ, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड, आई मीन उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? लेकिन मैं उसे मिलूंगा कहाँ? अबे वो देख, क्या वो देख वहां, कहां? वाओ क्या खूबसूरत है वो, क्या खूबसूरती है। थोड़ा पीछे राइट, और राइट राइट, और ओ अरे ओ आई एम सॉरी। ओ आप यहां? ओ हाय सपना। हाय टोनी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुम यहां कैसे? कम ऑन टोनी, मैं यहां बर्गर खाने तो नहीं आई हूं ना, ऑब्वियसली एग्जीबिशन देखने आई हूं यार। ओ बाय द वे, तुम्हारा ये एग्जीबिशन देखने के बाद प्रोग्राम क्या है? कुछ भी नहीं, क्यों क्या है यार? एक छोटा सा काम कर दोगी? बोलो क्या यार, मुझे ना बहुत जरूरी काम है और मैं चिंटू की गाड़ी ले जा रहा हूँ, तो तुम प्लीज एग्जीबिशन के बाद उसे घर ड्रॉप कर दोगी? Why not? Thank you, सपना। Thank you, किस लिए? मेरे साथ आने के लिए और मुझे लिफ्ट देने के लिए। तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा हाँ, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं बहुत अच्छा हूँ? ऐसा मेरा दिल कहता है। थैंक्स सपना, थैंक्स अगेन। दोस्ती करोगे? सिर्फ दोस्ती?
निगाहों में हो तुम ही तुम, तुम ही में है हम तो गुम। निगाहों में हो तुम ही तुम ही में है हम तो गुम। है ये तमन्ना मेरी बाहों में बस हो तुम, बाहों में बस हो तुम, बाहों में बस हो तुम, बाहों में बस हो तुम। निगाहों में हो तुम ही तुम ही में है हम तो गुम। है ये तमन्ना मेरी बाहों में बस हो तुम, बाहों में बस हो तुम। समारोह के मुख्य आकर्षण हैं आज के चीफ गेस्ट। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी समारोह के चीफ गेस्ट का नाम ओपन नहीं किया गया। आप सबको वोट के जरिए गेस करके हमें बताना था कि वो नेशनल हीरो कौन है। बलबीर, हाँ, तूने किसको दिया वोट यार? अरे मैंने तो सनी देओल का दिया यार। वो तो तू सही कह रहा यार, वो ही आएगा। हाँ, मेरी बात मान तो शाहरुख आएगा। हाँ, अरे इनमें से कोई नहीं आने वाला, ऐश्वर्या आने वाली, ऐश्वर्या आए। रिजल्ट आप सबके सामने होंगे। आप लोगों की वोटिंग के जरिए हम सबको उस नेशनल हीरो का पता लगेगा जो हमारे आज के इस समारोह के चीफ गेस्ट होंगे। तो अब मैं प्रिंसिपल साहिबा से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो इस समारोह के बारे में दो शब्द कहें। लीजिए मैडम। प्यारे बच्चों, आज के हमारे चीफ गेस्ट एक ऐसे बेमिसाल शख्स हैं जो सदियों में एक बार पैदा होते हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। वो यहाँ आके एक मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं।
पिछले दिनों अपनी जान पर खेलकर इन्होंने खतरनाक आतंकवादी जलालुद्दीन गजनवी को पकड़ा। परमवीर चक्र, शूरवीर चक्र, राष्ट्रीय पदक से सम्मानित। बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज वेलकम अवर नेशनल हीरो मेजर अब्दुल हमीद। अब मैं म्यूजिक टीचर से अनुरोध करूंगी, वो यहां आके वोटिंग रिजल्ट्स अनाउंस करें। वोटिंग रिजल्ट्स इस तरह हैं, 75% ऋतिक रोशन, 10% शाहरुख खान, 5% अमिताभ बच्चन और सलमान खान के भी 10% है मैडम। दैट्स ऑल। आई एम सॉरी बच्चों, मुझे नहीं पता था कि आप लोग इन लोगों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैंने रुक्मणी जी से पहले भी कहा था कि मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन वो मानी नहीं। मुझे खुद ही सोच लेना चाहिए था कि इस उम्र में आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब तो मैं आ ही गया हूं, चीफ गेस्ट ना सही एक दोस्त ही सही। मुझे मालूम है कि आप लोगों की उम्र में म्यूजिक बहुत पसंद किया जाता है। आप लोगों को म्यूजिक पसंद है ना? डांसिंग अलोंग। हिंदुस्तान मेरा ईमान, हिंदुस्तान मेरा ईमान, हिंदुस्तान मेरा ईमान, हिंदुस्तान मेरा ईमान। क्या गाना पसंद नहीं आया आप लोगों को? अरे अभी तो आप लोगों ने कहा था कि आपको म्यूजिक पसंद है। सर अच्छा तो लगता है लेकिन दूसरे टाइप का। तो कैसे गाने पसंद हैं आपको, गाइए ना जो गाना आपको पसंद हो। ऐ मेरे दिल तू गाए जा, ए आए आओ आए आ, ऐ मेरे दिल तू गाए जा। अरे कहाँ खोई हुई हो, आज का फंक्शन कैसा रहा? किस दिशा में जा रहे हैं हमारे स्कूल के बच्चे? वीरता और देशभक्ति क्या इनके लिए कोई मायने नहीं रखते? क्यों, बच्चों ने कोई गड़बड़ की आज के फंक्शन में? शर्म से मेरा सर झुका दिया। क्या यही बच्चे हैं हमारे देश का भविष्य? मैं इनको कैसे समझाऊं, कैसे इन बच्चों के दिलों में हमारे देश के लिए प्यार और इज्जत पैदा करो। रुक्मणी, प्यार और इज्जत पैदा नहीं की जाती बल्कि अपने आप हो जाती है, खुद ब खुद आत्मा की गहराइयों से। इस मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती। तो फिर मैं क्या करूं? कोशिश करो, कोशिश करो उस ढंग से जिस ढंग से उन्हें पसंद है। अपने आप को उनकी उम्र पर लाकर उनसे बात करो अपने तरीके से। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूं। हिंदुस्तान में बच्चों को शहीदों का इतिहास पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, दिखाया नहीं जाता। तुम उन्हें उन तमाम जगहों पर लेकर जाओ जहां हमारे शहीदों की कुर्बानियों के सबूत मौजूद हैं। उन्हें पिकनिक के नाम पर लेकर जाओ, भारत का इतिहास दिखाओ, उन्हें समझाओ कि आजादी की जंग महज अल्फाज ही नहीं बल्कि उसमें बेशुमार शहीदों का खून भी मिला हुआ है। हेलो। हेलो, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। कौन? सपना? एक मिनट। सपना का फोन आया। हेलो। क्यों, किसी और का इंतजार था? नहीं नहीं सपना, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा छोड़ो, शाम को आ रहे हो ना? शाम को कहाँ? क्यों, टोनी का फोन नहीं आया? नहीं। स्टूपिड। कौन, मैं? अरे तुम नहीं, वो इडियट टोनी, कह रहा था सुबह ही तुम्हें फोन कर देगा। अच्छा फिर बात क्या, तुम ही बता दो ना। देखो, टोनी और उसके दोस्त मिलकर एक पार्टी दे रहे हैं, सेलिब्रेशन पार्टी, और तुम भी वहाँ जाना, ठीक 9 बजे, हम सब वहाँ से साथ जाएंगे। ओके।
ऐसे करो, जल्दी गाड़ी पीछे लो, जल्दी तुम और हारिया। तुम लोग निकलो, मैं चिंटू को देखता हूँ। लेकिन टोनी, टोनी प्लीज जाओ यार। ओहो, तो आप भी है यहाँ। परसों डिस्क में मैंने आपसे एक सवाल पूछवाया था और सवाल पूछने वाले को आपने पिटवा दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए आपसे सवाल पूछने मैं खुद चला आया। बताइए ना, कौन सी चक्की का आटा खाती हैं आप? देख बॉब, उस दिन जो हो गया सो हो गया। उस दिन की बात उसी दिन खत्म हो गई। हम लोगों की तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं, और ना ही तो बात को आगे बढ़ा। रास्ता छोड़ और हम लोगों को जाने दे। हम लोगों को तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं करना। जो आ गया प्रभु, शौक से जाइए, शौक से जाइए, मगर इस कन्या को यहाँ छोड़ जाइए। बॉब, अबे गैंडे पीछे हट, वरना सारी की सारी तेरी चर्बी निकाल दूंगा। हाँ। बोला चमचा भी बोला। देख बॉब, यू ट्राइंग माई पेशेंस, तू जाए यहाँ से और हम लोगों को भी जाने दे, वरना। वरना क्या, धमकी देता है साले। हाँ। साले बॉब को धमकी देता है। ए, मारो उस सालों को। चलो पीछा करो। पुलिस, भाग भाग। अरे 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 अरे, क्या कर दिया? हाँ, बावड़ी बूझ क्या कर दिया ये अवलदार जी? डर लेने। अच्छा साहब, नाम क्या है तेरा? नाम क्या है तेरा? चिंटू। चिंटू पप्पू बिट्टू से का मतलब नहीं है, इसी नाम असली असली नाम बोल, असली नाम बोल। क्या तेरा? सर चैतन्य सूर्यवंशी। चैतन्य सूर्यवंशी, बाप का नाम क्या तेरे? चिंटू सर एम सूर्यवंशी। एम सूर्यवंशी, होम मिनिस्टर एम सूर्यवंशी। टोनी शट अप यार, बोल ना यार।
सर क्या बोला सर? इसे बहुत चोट लगी सर, इसे बात कर रहा हूं मैं। क्या बोला? होम मिनिस्टर एम सूर्यवंशी। टोनी क्या बोला यू? होम मिनिस्टर गृह मंत्री एम सूर्यवंशी। सर से चोट लगी सर। सर ये झूठ बोले सर, मेरे डैड बिजनेसमैन। क्यों झूठ बोल रहे हो चिंटू? चिंटू तुम सबना प्लीज, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है चिंटू, लग जाने दो अंकल को खबर, कम से कम इस मुसीबत से तो बच जाएंगे, डांट ही तो पड़ेगी ना, खा लेंगे, पर तुम्हारे पापा सब संभाल लेंगे चिंटू। हां यार प्लीज। अरे जरा जी ट्राई टू अंडरस्टैंड सपना, यू डोंट नो। रिलैक्स चिंटू। अरे यू तो क्या हुआ साहब? अरे यू तो गृह मंत्री का लौंडा निकला भाई। अब क्या होगा साहब? ये होगा यू कि या तो मेरा तबादला होगा या मेरी वर्दी उतर जाएगी। तो क्या कह रहे हैं साहब? एक तो एक ही तरीका है, एक आइडिया है मेरे दिमाग में। क्या साहब? गाना लगाओ मैम साहब। चिंटू आ गया? जी नहीं। ठीक है तुम जाओ जी, मैं भी आती हूँ। अच्छा जी। हेलो जी, मैं तिलक मार्ग थाने से इंस्पेक्टर चमन लाल बोल रहा हूँ जी। गृह मंत्री जी घर पे हैं? जी वो तो नहीं है, मैं उनकी मिसेस रुक्मिणी सूर्यवंशी बोल रही हूँ। जय हिंद मैडम जी। जी कहिए। मैडम जी ऐसा है कि अभी अभी यहाँ पर एक मुत्तुबिसी लांसर ने एक साइकिल सवार को उड़ा दिया है। वो तो बड़ी सीरियस कंडीशन में पड़ा हुआ है, बस यूं समझो कि अब मरा के तब मरा। अब मैं तो कहता हूँ कि मर जाए ससुरा, ताकि अपने छोटे सरकार तो चैन की सांस ले। जी अपना चिंटू बाबा, दरअसल गाड़ी वही चला रहे थे ना, लगता किसी पार्टी वार्टी से आ रहे थे। अब मैडम जी पार्टी में गए तो पीना पिलाना तो ही जाता है। लेकिन आप चिंटू बाबा की कतई चिंता ना करें, आपका खादिम जो यहाँ बैठा हुआ है कुर्सी पे, मैडम मैं सारे केस को रफा दफा करके बच्चों को साफ निकाल लूंगा उसमें से। जी जय हिंद जनाब। जय हिंद। इसे पहचानते हो? कमाल करते हैं सर जी, इन्हें कैसे नहीं पहचानूंगा, ये तो हमारे छोटे सरकार हैं। कैसे सर जी? आप खुद ही घूमती फिरती सरकार है, ये आपके सुपुत्र ठहरे तो हो गए ना छोटे सरकार। इसलिए इतने गंभीर अपराध करने वाले को तुमने आराम से जाने दिया जी। इसलिए कि ये मिनिस्टर का बेटा है, मेरा बेटा है। जी जी सर, ये आपका बेटा है तो मैं भला कैसे अरेस्ट करता इनको? अगर ये मिनिस्टर का बेटा नहीं होता, किसी साधारण आदमी का बेटा होता तो तुम क्या करते? तो मैं तो गिरफ्तार करते जनाब, इंक्वायरी करते। सही फरमाया जनाब ने। मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते। जी हाँ जनाब। चार्ज शीट करते। करेक्ट है जी। तो फिर यही कीजिए, और सुबह तक मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए पूरी। मैं उस घायल से मिलने अस्पताल जा रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद पापा। थैंक यू पापा, आपने मेरे दिल पे से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। मुझे गर्व है कि आप मेरे पापा हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू पापा, रियली प्राउड ऑफ यू। चलो तुम्हारी जमानत हो गई है। मैंने एक जरूरी सूचना देने के लिए आप सबको बुलाया है। हमारे स्कूल के तरफ से बच्चों को मनोरंजन और उनके सांस्कृतिक विकास के लिए एक पिकनिक टूर का प्रोग्राम बनाया है, और हम सब एक ही बस में दिल्ली से श्रीनगर जाएंगे, और उसी बस में हमारे स्कूल सेंट मार्क के साथ साथ और दो स्कूल के बच्चे भी जाएंगे। ये रही उनकी लिस्ट। ओके मैडम, जस्ट गो थ्रू द लिस्ट प्लीज। जी। मैंने लड़कियों की लिस्ट रेडी करने को कहा। ये लीजिए मैडम। मैडम मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यस टेल मी। इस लिस्ट में लॉरेंस स्कूल के स्टूडेंट बॉब का भी नाम है। हाँ तो? बॉब बहुत बदनाम लड़का है मैडम, बहुत ही बदमाश और घमंडी है। वो जाएगा तो पूरा माहौल ही खराब हो जाएगा। हमारे अपने स्कूल के लड़कों से उसकी दुश्मनी है, खासकर चिंटू से। जी हाँ मैं जानती हूँ, इसलिए साथ भेज रही हूँ। कहते हैं कट्टर से कट्टर दुश्मनों को भी साथ रखा जाए तो आपस में दोस्त बन जाते हैं। फिर ये तो बच्चे हैं, इनमें सिर्फ इतनी ही मुश्किल है, इन्हें कभी मौका नहीं मिला एक दूसरे को समझने का, जानने का। मुझे पूरी उम्मीद है जब ये लोग लौटेंगे तो एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त होंगे।
कम ऑन गर्ल्स, कम ऑन फास्ट, कम ऑन, हरिया हरिया, 5 मिनट रह गए हैं बस चलने के लिए। यमुने ये जो फील फील होती है, सीधा खड़ा रहे, चलो चलो जल्दी चलो, जा उस्ताद के लिए पान लेके आ जा। उस्ताद अभी हम गए, अभी आए, लेकिन पान बिना पैसे के नहीं देता पान वाला, मत आए। ठीक है ये ले जा, लेके आ जा, जा चल। जानी 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 बाबा, सब आ गए आहिस्ता एक एक करके। क्या हुआ सपना, तेरा हीरो नजर नहीं आ रहा? आ जाएगा, जब हीरोइन आ गई तो हीरो भी आ जाएगा। तू वहाँ मेरा फोटो जरूर कीजिए। हाय गर्ल्स, हाय, देखा ना है रे सोचा। ओ ये साला डायनासोर की औलाद कहाँ से आ गया? साले की शक्ल देख के मूड खराब हो गया। इधर आपकी तारीफ, तारीफ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया और पान वाले को पान बनाने। मैं अपने उस्ताद के लिए पान लेने आया था, तुम्हारे हाथों में कुछ जाने दो। देखना बाप को पूरे रास्ते झगड़ता जाएगा किसी न किसी से और सबका मजा खराब करेगा। श्रीनगर, अरे जगह तो देना बैठने के लिए। तीन चार जनता ने ये लोग मेरे को रस्ते में रोके तो मैं फिल फिल उठती। अंदर चुपचाप बैठना और लाल साड़ी वाली की तरफ देखना भी नहीं। क्या क्यों देख रहे हो क्या? हे हाय सपना, हाय गाइस, यो कम, हे सपना, हे चिंटू, कम ऑन चिंटू, नॉट अगेन चिंटू, कम ऑन, सिट डाउन चिंटू, चिंटू चिंटू, कम ऑन, सिट डाउन चिंटू, come here, sit down, sit down, you know sapna, those small puppies, you know sala darpo baatein banana to koi aapse seekhe waqai rukmani, main bahut hi khush kismat hu jo mujhe tum jaisi patni mili, mujhe waqai garv hai tum pe, garv hai is baat ka ki main tumhara pati hu, I love you। sharam kijiye na, आप मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर को प्यार करने का, रोमांस करने का अधिकार नहीं है क्या? और वो भी अपनी पत्नी से? मैडम, जस्ट होल्ड ऑन। यस मैडम, बस रवाना होने के लिए एकदम तैयार है। ड्राइवर से कहिए मेरी गाड़ी को फॉलो करें। राइट मैडम। ओके। अच्छा पतिदेव, आप जीते मैं हारी। अब मैं फोन बंद करती हूँ, चलने का वक्त हो गया है। गुड बाय। खूबसूरत प्यारे बच्चों, चाहे इंडिया में 200 साल में दो ही शायर पैदा हुए, एक मिर्जा गालिब और एक नाना। नाना मेरा तखल्लुस है क्योंकि नाना बहुत काम की चीज है, कमी शलवार या हिजाब गिरती नहीं है। तो सुनाई ना कोई तड़कता भड़कता शेर। तड़कता और भड़कता, जरूर जरूर। तो फिर एक शेर किया है, इरशाद सर इरशाद। ये हाल हो गया है इश्क में बेवफाई से, सुभान अल्लाह, ये हाल हो गया है इश्क में बेवफाई से, अब तो मच्छर भी उठाने लगे इसे चार पैसे। सब किसी को तोप हो प्लीज, एक और इजहारे मोहब्बत पर वो मरम्मत हुई मेरी, इजहारे इश्क पे वो मरम्मत हुई मेरी, इजहारे इश्क पे वो मरम्मत हुई मेरी। अबे आगे बढ़ना, आगे बढ़ना नाड़े। पहले था दिल में दर्द, अब इसके घुटने में। गाड़ी क्यों रोकी? लगता है गाड़ी खराब हो गई। जबरे क्या जाके देख के क्या हुआ? क्या ना? उतना जाता हूँ ना। क्या हुआ ड्राइवर? लगता है मैडम सेल्फ खराब हो गया है। ओहो, ठीक नहीं हो सकता है? ठीक तो हो जाएगा मैडम। कितना टाइम लगेगा? जाके देखता हूँ मैडम। क्या हुआ मैडम, प्रॉब्लम? गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आई है, ड्राइवर ठीक करा लेगा। अच्छा तुम एक काम करो। जी मैडम। गाड़ी ठीक करा के तुम श्रीनगर आ जाओ। ठीक है मैडम। मैं वहाँ तक बस में बच्चों के साथ चली जाऊंगी। ठीक है मैडम। आइए मैडम, आइए।
अच्छा सुनो जी मैडम, गाड़ी ठीक होते ही मुझे सेल पे फोन करना। जी मैडम, भूलना नहीं। ओके मैडम, चलिए। ए ठीक है मैडम, पेट्रोल डाल पेट्रोल। जा जा। बहुत खतरनाक मोड़ है सामने। ए बिल्कुल तुम दोनों मेरे साथ चलो। तुम लोग इन हॉस्टेज को बेस कैंप पर लेकर आओ और इस बस को ठिकाने लगा दो। सलाम जनाब। ऑपरेशन कामयाब हुआ। शाबाश असलम, मुझे मालूम था तुम कामयाबी लौटोगे। टोनी, खबरदार बच्चे को हाथ लगाए तो। ए, चलो तुम्हें कमांडर ने बुलाया। चलो, अरे चलो। चलो। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? कमांडर, मैं इजाजत चाहूंगा। जवाब दो, कौन हो तुम लोग? सवाल बेमानी है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम लोग कौन हैं। वैसे मुझे शब्बीर कहते हैं, शब्बीर खान। क्या चाहते हो? आजादी, रिहाई। किसकी रिहाई? अपने मुजाहिद भाइयों की रिहाई। और कश्मीर की आजादी। कश्मीर? तुम्हारी आंखों का खौफ और माथे का पसीना बता रहा है कि तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो हमारे मिशन से। सौदा खरा है, अगर तुम्हारी सरकार को इन 40 बच्चों की जान की सलामती चाहिए तो उसे हमारी मांगे पूरी करनी होगी। सरकार मान गई तो तुम सब हमारी कैद से आजाद, और अगर नहीं मानी तो जिंदगी से आजाद। और अब तो हमारी जीत यकीनी है, क्योंकि जब तुम्हारी सरकार को मालूम पड़ेगा 40 बच्चों के साथ भारत के होम मिनिस्टर की बीवी और बच्चा भी हमारे कब्जे में है तो आदि शिकस्त तो वैसे ही हो जाएगी उसकी। तुम्हारा पति रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, भीख मांगेगा अपनी बीवी और बच्चे की जान की। तुम मेरे पति से नहीं मिले हो शब्बीर, मिले होते तो ऐसी बात नहीं करते। तुम उन्हें नहीं जानते हो, मैं जानती हूं। वो मुझसे अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो प्यार करते हैं अपने देश, अपने सरजमीन से। वो हमारी कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन अपने देश का सौदा नहीं कर सकते। और रही तुम्हारी बात, मेरा एक मशवरा सुन ले शब्बीर। महेंद्र सूर्यवंशी है उनका नाम। शेर से टकराने की कोशिश मत करो, वरना बेमौत मारे जाओगे। ए, औरत हो इसलिए जिंदा हो, वरना।
दखल अंदाजी के लिए माफी कमांडर, मोहतरमा का फोन। हेलो। हेलो, कौन? तुम कौन? जी मैं रामसेवक बोल रहा हूँ, मैडम की गाड़ी का ड्राइवर। उनको बताना है कि गाड़ी ठीक हो गई है और ये पूछना है कि गाड़ी कहाँ लाना। क्या नाम बताया तुमने अपना? जी रामसेवक। रामसेवक, तो सुनो और गौर से सुनो, तुम्हें अपने मालिक महेंद्र सूर्यवंशी तक पैगाम पहुंचाना होगा कि उनकी बीवी और बच्चा मेरी हिरासत में, 40 और बच्चों के साथ। लेकिन आप कौन हैं? शब्बीर खान, कमांडर मुजाहिद कश्मीर फ्रंट, MKF। मंत्री जी, हमारे प्रदेश की स्थिति पुलिस के कंट्रोल के बाहर है। अब ये जरूरी हो गया है कि आप सुरक्षा बलों को यहाँ से भेजें, जबी वहाँ पे सिचुएशन सही रह सकती है, वरना ये हालात बहुत विस्फोटक मोड़ ले सकते हैं। होम मिनिस्टर्स ऑफिस, क्या मैं साहब से बात कर सकता हूँ? आप कौन? जी मैं रामसेवक, मिनिस्टर साहब का ड्राइवर। अरे साहब मीटिंग में है, 1 घंटे के बाद फोन करना। मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है साहब, बात बहुत गंभीर है। मेम साहब और चिंटू बाबा की जान खतरे में है और स्कूल के बच्चों की भी, उन सबको अगवा कर लिया गया है साहब। व्हाट? रामकिशन पाटिल की पार्टी उसे राजनीतिक मुद्दा बना सकती है। मेरा अनुरोध है कि आप हमारे प्रांत के हालात को देखते हुए। बट इट्स वेरी अर्जेंट। अभी अभी आपके ड्राइवर रामसेवक का फोन आया सर, वो कह रहा है कि मैडम और उसके साथ बस में सफर कर रहे 40 बच्चों को किडनैप कर लिया गया है। अभी अभी हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर की सूचना मिली है, इसलिए इस वक्त हम आप लोगों से माफी चाहेंगे। ओके सर। रामसेवक फोन पर ही है सर, आप उससे बात कर लें। हेलो साहब जी, मैं रामसेवक। हाँ रामसेवक बोलो। साहब जी, मेम साहब और चिंटू बाबा को अगवा कर लिया गया है। तुम्हें कैसे मालूम? साहब जी, गाड़ी के ठीक होने की खबर करने के लिए हमने मेम साहब को फोन लगाया तो फोन किसी और ने उठाया और कहा कि आपको ये सब खबर दे दें। ठीक है, तुम वही रहो। कैसे हो मिनिस्टर साहब? बहुत जल्दी पहुंच गया हमारा पैगाम। कौन हो तुम? नाचीज को शब्बीर खान कहते हैं, कमांडर MKF, मुजाहिद कश्मीर फ्रंट। नाम तो सुना ही होगा। क्या चाहते हो? सौदा। पागल तो नहीं हो गए तुम? रिलैक्स मिनिस्टर साहब, ठंडे दिमाग से बात कीजिए, क्योंकि आपके मुंह से निकला हुआ एक भी गलत लफ्ज इन बच्चों की जान ले सकता है। क्या मैं अपनी पत्नी से बात कर सकता हूँ? PM साहब से बात करो। हेलो। हेलो रुक्मणी, मैं ठीक हूँ। घबराना नहीं रुक्मणी, मैं हूँ ना। अब बेफिक्र रहिए, मैं इन लोगों से नहीं डरने वाली। बस एक बात का ख्याल रखना, भले टुकड़े टुकड़े हो जाए हम, अपने तिरंगे को मत छुपने देना। जोश में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना मिनिस्टर जिसके लिए तुम्हें पछताना पड़े। शब्बीर। सर PM ऑन द लाइन। ओ, तो कार्रवाई शुरू हो गई, PM साहब भी शरीक हो गए। खूब, बहुत खूब। मेरी डिमांड्स जानने के लिए तुम ठीक 1 घंटे बाद फोन करो। अगर 1 घंटे में तुम्हारा फोन नहीं आया तो अंजाम के लिए मैं जिम्मेदार नहीं। मैम, ये क्या है? दीपू का बर्थडे है मैम। अच्छा, कहाँ है वो? मैम वहाँ बैठा हुआ है। उसकी मम्मी ने केक भी दिया था और कहा था कि श्रीनगर में आप और बच्चे लोग मिलकर सेलिब्रेट कर लेना उसका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे दीपू। थैंक यू मैडम। बॉयज एंड गर्ल्स, आज दीपू का जन्मदिन है, हम सब मिलकर इसका जन्मदिन मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम चीफ। वालेकुम सलाम। हिंदुस्तानी सरकार को 1 घंटे का वक्त दिया था, फोन आया? नहीं चीफ, मैं वापस फोन करूं? नहीं, जिहाद के कुछ अपने उसूल होते हैं, ये हिंदुस्तानी हथियारों की जुबान समझते हैं। दहशत ही हमारी जंग की बुनियाद है। तुम एक काम करो, अगला कदम उठाओ। जी। जो कह रहा हूं वो करो, अगला कदम उठाओ।
That's all. Aslam, agla kadam uthao. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Deep. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. इसमें घबराने की क्या बात है दीपू? ये केक उनको भी खिलाओ. स्लाइड्स सर, यह है शब्बीर खान, मुजाहिदे कश्मीर फ्रंट का कमांडर, बहुत ही खतरनाक आतंकवादी, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से आतंक फैलाने का जिम्मेदार, एलओसी से ऑपरेट करने वाला. नेक्स्ट, यह है असलम मर्जबान, एमकेएफ डिप्टी कमांडर. 1999 में आईएसआई ने इसे यहां आतंक फैलाने के लिए भेजा था. अफगानी आतंकवादी, बहुत ही खतरनाक. नेक्स्ट, और यह है जलालुद्दीन गजनवी, इसके बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं सर. हो सकता है हॉस्टेजेस के बदले वो लोग जलालुद्दीन गजनवी के रिलीज की डिमांड करें. नेक्स्ट, आइए जनरल साहब. मंत्री जी, यह है लाइन ऑफ कंट्रोल, और हमारे जो हॉस्टेजेस हैं वो हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां कहीं जूम 0.5140 और ये सारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकवादियों के अड्डे, जहां से उन्हें लगातार सहायता मिलती रहती है. मंत्री जी, ये वो जगह है जहां पर हमारे हॉस्टेजेस हैं और जहां हमें एक्शन लेना होगा. हेलो, मैंने तुम्हें ठीक एक घंटे के बाद फोन करने के लिए कहा था मिनिस्टर, तुमने फोन नहीं किया. नतीजा खुद अपनी आंखों से देख लो. क्या किया तुमने? जानने के लिए लॉग ऑन टू www.mkf.com. लॉग ऑन टू www.mkf.com. ये था हमें नजरअंदाज करने का अंजाम. अब सुनो हमारी डिमांड्स. तुम्हारी जेलों में बंद हमारे 26 मुजाहिद भाई और हमारे लीडर जलालुद्दीन गजनवी की रिहाई, 500 करोड़ अमेरिकन डॉलर्स और एलओसी से हिंदुस्तानी फौजों की वापसी. रकम कहां पहुंचानी है ये बाद में बताया जाएगा. फिलहाल हमारे मुजाहिद भाइयों के नाम, उनकी तस्वीरें और वो सब कौन कौन सी जेलों में बंद हैं, इसकी डिटेल्स जानने के लिए हमारी इसी वेबसाइट पे रहो. हमें हिंदुस्तानी सरकार का जवाब चाहिए, वरना लाशों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा और इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे, समझ लीजिए. शब्बीर खान, तुम एक लोकतांत्रिक देश के गृह मंत्री से बात कर रहे हो, जिसकी अपनी कुछ बंदिशें हैं, दायरे हैं, अधिकार हैं. इस देश से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला हम अकेले नहीं ले सकते. तुम्हारी मांगों को पूरा करने के लिए हमें वक्त चाहिए. इतनी जल्दी इतनी मांगों का पूरा करना नामुमकिन है, इसलिए मासूमों की जानों से खेलना बंद करो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा. अरे चुप, अरे चुप, मैंने गोली मार दूंगा तुझे. चुप, अरे मैडम, बचाओ. मैडम, मैडम प्लीज हेल्प. नहीं, अरे चुप, अरे चुप, मैं तुझे गोली मार दूंगा. नहीं, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे.
खाएगा गोली? हाँ, ऐसे ही बहादुर होता तो एक मासूम लड़के के ऊपर अपनी ताकत नहीं आजमाता। यही है तुम्हारी जंग, यही है तुम्हारा जिहाद। तुम मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमान वो होता है जो औरत के लिए इज्जत लेकर पैदा होता है। तुम मुसलमान नहीं, धब्बे हो अपने कौम पर, अपनी जात पर। क्या चाहिए तुम्हें? मैं शब्बीर से मिलना चाहती हूँ। नहीं मिल सकती उनसे। क्या बात है असलम? मिलना चाहती हैं आपसे। आने दो। नफरत करती थी मैं तुमसे, लगा इंसान के बहस में छुपे हुए खूनकार जानवर हो तुम, जिसके सीने में ना दिल है ना जज्बात, ना रहे मैं ना इंसानियत। मैं गलत थी, क्योंकि आज उसी जानवर में मैंने एक इंसान देखा, एक नेक और जज्बाती इंसान। मुझे यकीन है कि जो तुम दिखाई देते वो तुम नहीं हो। ये आंखें किसी वैसे जानवर की नहीं, इन आंखों में दर्द झलकता है। शब्बीर, मैं वही हूं जो दिखाई देता हूं, एक मुजाहिद जिसका एक ही मकसद है अपने वतन की आजादी। जज्बातों की दुहाई देकर मुझे कमजोर करने की कोशिश मत कर, चली जाए यहां से, वरना वक्त के पहले ही मौत की आगोश में चली जाएगी। मौत से तुम मुझे क्या डराओगे शब्बीर? मैं मौत से डरने वाली नहीं हूं, और तुम क्या मुझे डराओगे? तुम खुद डरे हुए हो, इसलिए कि दुनिया को यह मालूम ना हो जाए कि शब्बीर खान, जिसके नाम से मौत भी कांपती है, वो असलियत में एक नेक और जज्बाती इंसान है। जज्बात? नफरत है मुझे इस लफ्ज से। बहुत गुमराह करते हैं जज्बात, बहुत तकलीफ देते हैं। जज्बात सिर्फ कमजोर लोगों को गुमराह करते हैं शब्बीर खान, और तुम कहते हो कि जज्बात के नाम से तुम नफरत करते हो? झूठ बोलते हो तुम। उस टीचर पर हमला करने वालों को सजा देकर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर अभी भी जज्बात और इंसानियत जिंदा है। उस गुनहगार को सजा देकर तुमने एक भाई का रिश्ता निभा दिया। बहुत खुश नसीब होगी वो बहन जिसे तुम जैसा भाई मिले। शब्बीर, ये सिर्फ मेरे आंचल का टुकड़ा नहीं, ये वो पवित्र बंधन है जिसका रिश्ता दिल से बनता है। कमांडर, ये निहायती चालाक औरत है कमांडर, मौका देखते ही आपके हाथ में राखी बांधकर चली गई। कमांडर, आप जज्बाती हो रहे हो। कमांडर, एक बात याद रखना, हमारे इस मिशन में जज्बात की कोई जगह नहीं है। हम लोग जिहादी है कमांडर, ये याद रखना, यही हमारा कानून है। मुझे मत समझाओ कि हमारा कानून क्या है। कमांडर, मैं हूं ये तुम? हाँ, मैं हूं। गेट आउट फ्रॉम हियर। Thank you.
अबा कहाँ जा रही हो? अबा अबा रुको प्लीज, अबा तुम्हें मेरी कसम रुको अबा, अरे अबा अबा प्लीज। पहले ये बता कि ये चक्कर क्या है? ये तुम्हें कहाँ से मिली अबा? अभी तक तो सिर्फ फोटो ही मिली है, रूबरू तो तब मुलाकात होगी जब आप मुझे मिलाएंगे। बताना कौन है? लड़की है अबा। लड़की है ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन नाम क्या है? नाम शब्बीर खान, वलजागीर खान। मैंने तेरा नहीं इसका नाम पूछा है। इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। इसका नाम क्या है? मैं याद दिलाऊं? हाँ। याद आया? नहीं। आया? आया 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 आपा भाई, शबनम, शबनम नाम है। माशाल्लाह, जैसी शक्ल वैसा ही नाम। शबनम जैसी ताजगी और पाकिजगी है इसके चेहरे पर। क्यों रे बंदर, तुझे कहाँ मिल गई ये परी? बंदर होगा तुम्हारे लिए, इलाके की लड़कियों से पूछ लो, जान छिड़कती है मुझ पर। और ये तो दीवानी है, दीवानी। अच्छा? हाँ, एक दिन नहीं मिलता हूँ तो पागल हो जाती है। अच्छा, और क्या कहती है? अगर मैं नहीं मिला तो किसी खाई में कूद कर जान दे देगी। तौबा तौबा, मरे इसके दुश्मन, लेकिन तू उसे क्यों नहीं मिलता? आपा एक अड़चन है। कैसी अड़चन? अम्मी आपा, तुम तो जानती उनके मिजाज को, अगर उनको पता चल गया कि मैंने खुद अपने लिए दुल्हन ढूंढ ली है तो वो तो कयामत ढा देंगे घर में। हाँ वो तो है, लेकिन तू अम्मी की फिक्र मत कर, मैं उन्हें संभाल लूंगी। अच्छा ये बता कि तेरी ये शबनम सिर्फ फोटो में ही खूबसूरत है कि दिखने में भी खूबसूरत है? हाय क्या पूछ लिया आपा, खूबसूरत उसे देख लो या पूरे कश्मीर को देख लो, एक ही बात है। सुभान अल्लाह, खुदा का ऐसा नायाब कारनामा जिसे एक बार देख लो देखते ही रह जाओगे। हंस के सहते हैं हम आपके हर सितम, हंस के सहते हैं हम प्यार के इम्तिहान, ऐसे देते हैं हम दिल तड़पता भी है आह भरते हैं हम पे भी हो जरा कुछ करम ऐ सनम। आपके हर सितम हंस के सहते हैं हम प्यार के इम्तिहान, ऐसे देते हैं हम दिल तड़पता भी है आहे भरते हैं हम पे भी हो जरा कुछ करम। आपकी जुल्फ को घेरता है रेशमी आंचल भी तो हुस्न को छू रही है हवा, लो आपकी जुल्फ को घेरता है रेशमी आंचल भी तो हुस्न को। ऐसे ही हक सुनो इस दीवाने को दो हम पे भी हो जरा कुछ करम ऐसा ना। आपके हर सितम
हर सितम हंस के सहते हैं हम प्यार के इम्तिहान ऐसे देते हैं हम दिल तड़पता भी है आह भरते हैं हम पे भी हो जरा कुछ करम ऐसा नम आपके हर सितम सहते हैं हम प्यार के Yes, Chief. अस्सलाम वालेकुम, कहिए कमांडर, हमारा मिशन कैसा चल रहा है? बस चंद घंटों का खेल है चीफ, कल शाम तक कामयाबी की खबर आप तक पहुंच जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। हमें खुशी है कि हमने इस मिशन के लिए बिल्कुल सही आदमी चुना है। हमें फक्र है तुझ पे शब्बीर खान, फक्र है। तुम एक सच्चे मुजाहिद हो। शुक्रिया जनाब। आतंकवादियों की मांग क्या है, वो क्या चाहते हैं? सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? बंदूकों को छुड़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बोलिए सर। सर, is it true that your wife and your son are amongst the hostages? सर, आपका परिवार तो बचा ही लिया जाएगा, पर बाकी लोगों के बचने क्या की क्या सरकार हमेशा की तरह उनकी शर्तों पर काम करेगी? देखिए, बस में मेरी बीवी और बच्चे के अलावा बहुत सारी मासूम जाने और भी हैं, जिनकी हमें उतनी ही फिक्र है जितनी अपनी बीवी और बच्चे की। ये भी सही है कि दहशत गर्दों ने एक मासूम बच्चे को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया है, जिसका हमें बहुत दुख है, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन जालिमों को उनके जुल्म की सजा जरूर मिलेगी, वो तमाम लोग वापस आएंगे, यकीन दिलाता हूं, तमाम लोग वापस सुरक्षित आएंगे। देश इस वक्त बहुत ही नाजुक घड़ी से गुजर रहा है, हमें जरूरत है आपके सहयोग की और आपके साथ की। ये लड़ाई हम जीतेंगे, यकीन मानिए, ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। जय हिंद। जय हिंद रक्षा मंत्री जी, हमारी रिपोर्ट देख ली आपने? जय हिंद सूर्यवंशी साहब। जी हाँ, रिपोर्ट पढ़ी हमने, सिचुएशन काफी गंभीर है, लेकिन आप फिक्र ना करें, हमने आर्मी हेडक्वार्टर्स को सूचित कर दिया है। हॉस्टेजेस को बचाने के लिए एक क्रैक कमांडो टीम फौरन रवाना हो रही है, राइट नाउ। ठीक है, जय हिंद। जय श्री राम। अब्दुल हमीद, यही नाम है ना तुम्हारा? मेजर अब्दुल हमीद, बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारी। सुना है शहर के बिगड़े हुए हालात बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ संभाल रहे हो तुम। गुड, इस देश को तुम्हारे जैसे बहादुर ऑफिसर्स की सख्त जरूरत है। शुक्रिया पाटिल साहब, मैं आपके सामने एक अफसर की हैसियत से नहीं बल्कि एक आम नागरिक की हैसियत से कुछ कहने आया। आप कभी अपने आशियाने की सरहद से बाहर निकलते हैं या नहीं? क्या मतलब? जाहिर है नहीं निकलते, निकलते तो देखते कैसे यह शहर चल रहा है, दहक रहा है, कैसे इस शहर का हर गरीब आदमी, हर कमजोर शख्स आने वाले हर पल के साथ एक नई कयामत का इंतजार कर रहा है। हमीद, तुम होश में तो हो? तुम जानते हो कि इस वक्त तुम कहां खड़े हो और किससे बात कर रहे हो? जानता हूं, मैं धर्म रक्षक, धर्म अधिकारी, महाशक्तिशाली श्री रामकृष्ण पाटिल के सामने खड़ा, जिसके एक इशारे पर इस शहर की कुंडली बदल सकती है, जिसे यह शहर
भगवान की तरह पूछता है। मैं जानता हूं कि मैं एक ऐसे आदमी के सामने खड़ा हूं, वह एक आदमी का विमान जिंदा रखने के लिए लाखों बेगुनाहों के गले कटने को तैयार है। लेकिन तुम्हें क्या, कटते हैं तो कटे, मरते हैं तो मरे, लेकिन मैं जा रहा हूं क्योंकि मुझे परवाह है उन 40 मासूम बच्चों की जो जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़े हैं। रामकृष्ण पाटिल, जरा सोचो, अगर उन मासूम बच्चों में तुम्हारी कोई औलाद होती तो क्या करते तुम? यहां बैठकर अपनी ताकत और सत्ता का जश्न मनाते या अपनी औलाद की सलामती के लिए सभी नासमान नहीं कर देते? जरा सोचो, उन बदनसीब मां बाप को जिनके बच्चे उस बस में मौजूद हैं, सिर्फ एक सेकंड के लिए सही अपनी पोजीशन के गुरूर से बाहर निकलकर सोचो, क्या करते तुम रामकृष्ण पाटिल, क्या करते तुम? बहुत प्यार, बहुत श्रद्धा मिली लोगों से, बल्कि जरूरत से कुछ ज्यादा ही मिली। और जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा मिलती है तो पहले तो उस पर गर्व होता है, और वो गर्व कब घमंड में बदल जाता है इसका पता खुद उस इंसान को नहीं चलता। मुझे भी शायद घमंड हो गया था अपने आप पर, अपनी ताकत पर। भूल गया था कि कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, देश से बड़ा कानून से बड़ा नहीं हो सकता। आज मैं अपनी मर्जी से अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूं। अगर मैं बेगुनाह हूं तो मुझे इंसाफ मिलेगा, मगर तब तक आप सबसे मेरी एक अपील है, खासकर नौजवानों से, कि इस शहर में अमन चैन बनाए रखें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके रामकृष्ण पाटिल का सर शर्म से झुक जाए। वहां सरहद पर चंद मुट्ठी भर आतंकवादियों ने हमारे बच्चों को अगवा करके हमें तोड़ने की, हमें झुकाने की कोशिश की है, हमारे स्वाभिमान को ललकारा है, हमारी एकता, हमारी अखंडता को तोड़ने की कोशिश की है, हमें चुनौती दी है। चल उठ है नौजवान, चल सरहद की ओर, बंदे से कंधा मिला और तोड़ दुश्मन की डोर। मुझे फक्र है अब्दुल हमीद जैसे नौजवान पर, जिसने ना सिर्फ मेरी आंखें खोली हैं बल्कि इस शहर के हर इंसान को जगाया है। सिर्फ मेरी नहीं, इस देश के हर मां बाप की दुआएं इस शूरवीर के साथ हैं। ये जीतेगा, ये जीत कर लौटेगा, दुश्मन की धज्जियां उड़ा कर लौटेगा। अब्दुल हमीद, आई सल्यूट यू। गर्व से कहो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद। जय भव अब्दुल हमीद। बहरे हो क्या, सुनाई नहीं देता? अल्लाह का नाम ले रही है। अल्लाह
शबीर, वो दिन दूर नहीं जब सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर हमारी हुकूमत होगी। हिंदुस्तान के जमीन पर पाकिस्तान का परचम लहराएगा। बहुत जल्द वहां जय पाकिस्तान पाइंदाबाद कहा जाएगा। हमें अपने हिंदुस्तान का नाम दुनिया के नक्शे में सरतारीख बनकर रह जाएगा। हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी कमजोरी की नस है जज्बात। उसे दबाते जाओ और फतेह पर फतेह हासिल करते जाओ। तुम्हारी जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रसद और हथियारों के साथ काफिला रवाना हो चुका है और इस काफिले के कमांडर हैं मेजर खुदाबख्श। ये काफिला जुबाक के खुफिया रास्ते से गुलशन नदी के पीछे पहुंचेगा ठीक एक घंटे के बाद। अपने आदमी को भेज के सामान मंगवा लेना। अल्लाह हाफिज। ट्रक चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। Da 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 da
सर एक बात पूछनी थी आपसे। क्या? आप लोगों ने बस हाईजैक की है, जाहिर है आप लोगों की कुछ डिमांड होंगी। तो नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर आप लोगों की डिमांड पूरी हो गई तो क्या आप हमें छोड़ देंगे? हाँ छोड़ देंगे, लेकिन मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। क्यों? वेल, मुझे लाइफ में सेंसेशन पसंद है, थ्रिल पसंद है। मैं हथियार चलाना चाहता हूँ, बम्स फेंकना चाहता हूँ, गोलियां बरसाना चाहता हूँ। प्लीज सर, मुझे अपने साथ शामिल कर लीजिए ना। काम के लड़के हो। थैंक यू सर। अब चल चल। सर एक रिक्वेस्ट थी। क्या? मुझे मालूम है आप लोगों की डिमांड्स पूरी हो ना हो, उस मिनिस्टर की बीवी और उसके लौंडे को आप नहीं छोड़ेंगे। तो वो मिनिस्टर का बेटा है ना चिंटू, उसके साथ मेरी पुरानी दुश्मनी है, तो जब भी आप उन्हें मारने का प्लान बनाएं, उस कुत्ते की खोपड़ी उड़ाने का मौका आप प्लीज मुझे दीजिएगा। चल चल, बहुत हो गया, अब चल चल। मेजर खुदाबख्श। असलम, डेप्यूटी कमांडर। कमांडर साहब अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए मेरे साथ। जी। आप और अपने आदमी असला और रसद जल्दी निकलवा लीजिए, क्योंकि रात होने से पहले मुझे पहुंचना है वापस। जल्दी कीजिए। चलो आ जाओ सब लोग। हाँ हाँ चलो चलो चलो। आइए आइए, खुशामदीद। मेरा नाम शब्बीर खान है, कमांडर एमकेएफ। चीफ ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। खुदाबख्श मेजर, खुदाबख्श। बहुत इंतजार था आपका, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मेरी खुशी का तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की। अल्लाह का करम, आप सामने खड़े हैं। मैं तो नाचीज हूं मीजे साहब। बहुत पूरी चीज है आप, इतना हंगामा किया, इतना तहलका मचाया, इतना खून बहाया, नाचीज नहीं है आप तो नायाब चीज है। शुक्रिया जरा नवाजी का। सोचा था आपको देखते ही गोली मार दूंगा, लेकिन अब लगता है आप इतनी आसान मौत के हकदार नहीं हैं। क्या बकवास है? तुम्हारा खेल खत्म शब्बीर खान। कौन है तू? मेजर अब्दुल हमीद ऑफ द इंडियन आर्मी। अब्दुल हमीद, मुसलमान है ना तू? इस्लाम को मानता है ना? रसूल पाक की उम्मत है ना तू? तो फिर अपने मजहब और कौम के साथ गद्दारी क्यों करता है? इस्लाम की मुखालफत क्यों करता है? उधर क्यों है, इधर क्यों नहीं? तू मुसलमान है, हमारा भाई है, हमारे साथ आ। हिंदुस्तान तेरा मुल्क नहीं है, तेरा मुल्क ये है। अपने मुल्क के लिए लड़ अब्दुल हमीद। गैरों की गुलामी छोड़ और अपने वतन और मुल्क के जिहाद में शामिल हो जा। साबित कर दे कि तू सच्चा मुसलमान है। कौम की बात करता है, मजहब की बात करता है, खुद को मुसलमान कहता है। क्या है मजहब, क्या है? बेगुनाहों के गले काटो, मजलूमों का खून बहाओ, मासूमों की लाशें गिराओ, यह मजहब, यह सिखाता इस्लाम। किसको गैर कहता है? हिंदुस्तान को, उस सरजमी को जहां इस्लाम दिल से माना जाता है, जहां ईद भी दिवाली की तरह मनाई जाती है। मुसलमान कहां पैदा हुआ? हिंदुस्तान में। उर्दू का जन्म कहां हुआ? हिंदुस्तान में। मजहबी तालीम किधर है? हिंदुस्तान में। तो फिर ये तेरा मेरा किधर से आया? इसी तेरे मेरे ने दरार पैदा कर दी है मुसलमान और हिंदू में। और कितनी दरारें डालोगे? क्या चाहिए तुम्हें? कश्मीर चाहिए हमें, कश्मीर। सालों पहले पाकिस्तान चाहिए था, अब कश्मीर। फिर बोलोगे दिल्ली चाहिए, फिर एक नया जिहाद खड़ा करोगे, फिर कत्लेआम होगा, फिर खून बहेगा, और यह सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि तुम्हारे नापाक ख्वाहिशों की कोई हद ही नहीं, कोई सीमा नहीं। ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ चाहिए,
तो फिर किसने कहा था पाकिस्तान बनाने को? अरे यहीं रहते हमारे साथ, हमारे भाई बनकर, हमारे अजीज बनकर, तो फिर आज जो तेरा मेरा है हमारा होता, हमारा पहले जमीन पे दरार डाली, फिर दिलों में दरार डाली, फिर मजहबी दरार डाली, फिर भी तुम्हारे सीने ठंडे नहीं हुए और होंगे भी नहीं। आदत पड़ गई है ना खून बहाने की, लाशें गिराने की, लेकिन बस हिंदुस्तान का सब्र खत्म। बस आज के बाद तुम में से कोई भी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, क्योंकि अब्दुल हमीद तुम्हारा वो हाल करेगा जिसे देखकर सुनकर तुम्हारे मुल्क की रूह भी कांप उठेगी। कम ऑन मूव, कम ऑन। बंदूक नीचे फेंक दो। देखो, गौर से देखो, तुम्हारे कमांडर की जिंदगी और मौत मेरी मर्जी की मोहताज है। अगर किसी ने कोई भी कैसी भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो खुदा कसम तुम्हारे कमांडर का भेजा उड़ा दूंगा। अपने अपने हथियार नीचे फेंक दो। राणा। यस सर। चौहान। सर। जाओ बच्चों को लेकर आओ। यस सर। मैडम, वी आर फ्रॉम द इंडियन आर्मी, आप लोगों को छुड़ाने आए हैं। चलिए चलिए जल्दी जल्दी चलिए, फास्ट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बेशुमार गोलियां, बेशुमार सर, कोई मुश्किल बात नहीं। क्या हुआ ऑफिसर, चलाओ गोली, मार डालो कमांडर को। हम जिहादी हैं, हर जिहाद कुर्बानी मांगता है। दे दो कमांडर की कुर्बानी, मंजूर है हमें, लेकिन तुम्हारे मिशन का क्या होगा? तुम यहां इन बच्चों को बचाने आए थे ना, तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा। तुम यहां एक गोली चलाओगे, वहां कई गोलियां चलेंगी और ये बच्चे भी मौत मारे जाएंगे। किसने कहा था बच्चे को मारने के लिए, किसने? अगर मैं बच्चे को गोली नहीं मारता तो ये शख्स आपको मार डालता। मैं तुझसे बाद में बात करूंगा, दफा हो जाए ऐसे। इसे ले जाके तहखाने में बंद कर दो। और सुनो, इसकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। एक मिनट, ले जाओ। हेलो। हाँ अब्दुल हमीद, बोलो। अब्दुल हमीद नहीं, शब्बीर खान बोल रहा हूँ। शब्बीर, सब्र की इंतहा हो चुकी है मिनिस्टर साहब। मेरे बताए हुए आदमी को लेकर सूरज की पहली किरण के साथ यहाँ पहुंचे। तुम्हारे मांगे हुए कैदी इस देश की अलग अलग जेलों में कैद है, उन्हें इकट्ठा करने में बहुत वक्त लग जाएगा। इतनी जल्दी? तो सुनिए, शाहबाज सुलेमान सरफराज और हमारे लीडर जलालुद्दीन गजनवी को लेकर आ जाओ। शाहबाज सुलेमान और सरफराज श्रीनगर जेल में और जलालुद्दीन गजनवी तिहार जेल में। जहां तक मेरा ख्याल है, इन लोगों को इकट्ठा करने में आपको हफ्ते नहीं लगेंगे मिनिस्टर। ठीक है। और एलओसी के रेडार्स बंद हो जाने चाहिए। ठीक है। उफ। कौम की बात करता है, मजहब की बात करता है, खुद को मुसलमान कहता है, क्या है मजहब, क्या है? बेगुनाहों के गले काटो, मजलूमों का खून बहाओ, मासूमों की लाशें गिराओ, यह मजहब, ये सिखाता है इस्लाम। किसको गैर कहता है? हिंदुस्तान, उस सरजमी को जहां इस्लाम दिल से माना जाता है, जहां ईद भी दिवाली की तरह मनाई जाती है। मुसलमान कहां पैदा हुआ? हिंदुस्तान में।
उर्दू का जन्म कहां हुआ? हिंदुस्तान में। मजहबी तालीम किधर है? हिंदुस्तान में। तो फिर ये तेरा मेरा किधर से आया? इसी तेरे मेरे ने दरार पैदा कर दी है मुसलमान और हिंदू में। और कितनी दरारें डालोगे? शब्बीर, अब क्या है? क्यों आई हो यहां? चली जाओ यहां से। मैं अपने भाई से मिलने आई हूं। यहां कोई भाई नहीं है। मैं किसी का भाई नहीं हूं, मैं किसी का कुछ भी नहीं हूं। अरे क्यों बार बार मेरे सामने आके मुझे मेरे मिशन से गुमराह करने की कोशिश कर रही हो? मुझे मेरा मिशन कंप्लीट करना है। कौन सा मिशन? उन खूनखार दरिंदों को आजाद करने का मिशन? जो लोग आजाद होकर फिर बेगुनाह और मासूम लोगों पर गोलियां बरसाएंगे, तुम उन लोगों को आजाद कराना चाहते हो जो इस सफेद कश्मीर को खून से नहलाकर सुर्ख कश्मीर बनाना चाहते हैं? कश्मीर हमारा है और तुम हमारे हो। आज भी तुम घर के उस सदस्य की तरह हो जो घर से अलग जरूर हो गया है, लेकिन है उस घर का हिस्सा ही। शब्बीर, इस घर के और टुकड़े मत करो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। चली जाओ यहां से। चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले इतना कहकर जाऊंगी, इस अंधी जंग में मेरा भाई गुम हो गया है। मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। बहुत जज्बाती हो गया है कमांडर। उस औरत की बातों के जाल में पूरी तरह फंस चुका है वो। मैंने समझाने की कोशिश की तो मुझसे भी नाराज हो गया। ये तो कोई अच्छे आसार नहीं है असलम भाई। यूं तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा, सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा मेरे जीते जी, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन असलम भाई, हम कर भी क्या सकते हैं? एक काम करो, मार डालो मिनिस्टर के लड़के को। फायदा? अरे मिनिस्टर का लड़का मरेगा, पूरी दिल्ली हिल जाएगी। और कमांडर को क्या कहेंगे? कहेंगे लड़का भाग रहा था, गोली मार दी उसे। और चीफ को? चीफ से मैं खुद बात करूंगा, मुझे इस कमांडर का बंदोबस्त करना है। हेलो चीफ। तेरी बहुत तमन्ना थी ना इसे मारने की, हाँ? ले मार, चला गोली। जैसे ही इसे गोली मारे, साथ में इसे भी गोली मार देना। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है तेरे चेहरे पे मौत का खौफ देखकर। दो बार तूने मेरी इंसल्ट की, और वो भी सपना के सामने। बॉब अपनी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करता। अबे तकरीर बंद करो, चला गोली, मार इसे। सपना सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। चल दोस्त, डर उठा और भाग। चल बॉब। मेरी बात सुनिए, मेरा मंत्री जी से मिलना बहुत जरूरी है। आप मंत्री जी से नहीं मिल सकती हैं। मैं उनको शब्बीर खान के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है, बोलो। साहब, वो बुरा आदमी नहीं है, वक्त ने दगा किया उसके साथ। तकदीर की एक चोट ने उस मासूम इंसान को खोलता हुआ लावा बना दिया। उसने हथियार अपनी मर्जी से नहीं उठाया, बल्कि उसके हालात का नाजायज फायदा उठाकर जबरदस्ती उसके हाथ में हथियार थमा दिया गया। वरना वो कहाँ हथियार चला सकता था, वो तो बांसुरी बजाता था। बहुत मीठी, बेहद सुरीली, हमारी सगाई भी तय हो चुकी थी। सगाई से 3 महीने पहले शब्बीर मुंबई चला गया। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। फिर सगाई का दिन आया, शब्बीर मुंबई से वापस आया। कितना खुश था वो। सलाम शब्बीर भाई। मामूजान, मामूजान, आदाब। आदाब फैजल, कैसे हो? अच्छा हूँ मामूजान। आओ चलते हैं। चलो। अम्मी, अम्मी, मामू आ गए। अम्मी, देखो ना, मामू आ गए। आ गए? आ गए आप? अरे इतनी भी जल्दी क्या थी? 2-4 साल और ठहर कर आते। अस्सलाम वालेकुम आपा। क्या आपा, आया नहीं और आपने डांटना शुरू कर दिया। वालेकुम सलाम, जीते रहो। अरे आपा की डांट तो बड़ी बुरी लग रही है, लेकिन जब शरीकी है डांटेंगी तब। उसका तो हक होगा ना आपा। हाँ हाँ,
आज तुझे 100 खून माफ। इतने दिनों बाद जो आया है, एक बार तेरी मंगनी हो जाने दे, फिर बताऊंगी। अच्छा? अम्मी जान देखिए दूल्हे मियाँ आ गए। आ गया बेटा, मैं कब से तेरी राह देख रही थी। कैसी अम्मी जान? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ था इतनी देर तक? तेरी बस तो 3 घंटे पहले आ गई थी। वो क्या है अम्मी जान की रास्ते में राकेश? रहने दे, दिमाग पर बोझ मत डाल, पहले ही बहुत कम है। क्या करूँ आपा जान, आखिर आप ही का तो भाई। चुप जा, नहा धो ले, मैं कावा लाती हूँ। तू खड़े खड़े मुँह क्या देख रहा है? जा मामू का चमचा। अम्मी जान, आप भी बेचारे से ऐसे सवाल क्यों कर रही थी जिसका बेचारे के पास जवाब नहीं है? लो, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया भाई? इतने दिनों बाद लौटा है, वो भी मंगनी के लिए। अब भला शबनम से मिले बगैर आ सकता था? बस स्टैंड पर दोनों लैला मजनू मिले होंगे। इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है। इंडिया के नए खिलाड़ी फैजल खान बैटिंग कर रहे हैं 4 रन जीतने के लिए, और 1 गेंद बाकी। फैजल खान बैटिंग कर रहे हैं और वकार यूनिस बॉलिंग करेंगे। वकार पीछे जा रहे हैं, क्राउड बिल्कुल सुन है। इंशाल्लाह जीत हिंदुस्तान की होगी। वकार आए, उन्हें बॉलिंग की और फैजल ने चौका मारा, हिंदुस्तान की जीत। चल चल माल दिला कर। माल? हाँ, शहर जाना है, बहुत सारी खरीदारी करनी है और दुल्हन के लिए काफी सामान लाना है, और शाम होने से पहले घर भी लौट कर आना। बस बस आपा ये लीजिए। अकेली जा रही हैं आप? नहीं नहीं, फैजल चल रहा है ना मेरे साथ। मैं भी चलूं? रहने दे, तू आराम कर, वैसे भी तू दूल्हा है, कल का हीरो है। हीरो? कल का क्या आपा, मैं तो हमेशा का हीरो हूँ। बेटे जैसी तेरा निकाह होगा ना, तो इतना बड़ा जीरो हो जाएगा, जीरो। चल आपा, वापस आया आपको देख लूंगा मैं। शबीर जी अम्मी जान, नगमा नहीं आई अभी तक, दिन ढलने को है, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। आती होंगी अम्मी जान, उन दोनों ने कुछ खाया भी नहीं है। आप खामों का फिक्र कर रही हैं अम्मी जान। तू जरा जाकर देख कर तो आ। अभी जाके देख के आता हूँ, कुछ नहीं हुआ होगा। जा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। जी बेहतर। कैसे हो शहबाज मियां, सुबह से दिखाई नहीं दिए, कहाँ हो? जी हम तो कौम की खिदमत में लगे हैं, आप अपनी बताइए। सुना आपकी मंगनी हो रही है, मैं भागा चला आया। शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है, आखिर मेरे इकलौते यार की जो मंगनी हो रही है, सारे अरमान जो निकालने हैं। क्या बात है शबीर मियां, बहुत परेशान से दिख रहे हो। इतनी शाम हो गई है, अभी तक आप वापस नहीं आई, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। भाई साहब और कितना वक्त लगेगा? आपके सामने तो कंडक्टर गया सामान लाने, पता नहीं कितना वक्त लगेगा, 2-3 घंटे भी लग सकते। 2-3 घंटे? क्या करे बहन जी, मजबूरी है। वैसे आपको जाना कहाँ है? शेख टीला? वो तो यहीं पीछे है, 15-20 मिनट का रास्ता है। रास्ता तो हमें भी मालूम है, लेकिन बीच में जंगल पड़ता है, मैं अकेली बच्चे के साथ। फिर बैठे रहिए, जब बस ठीक होगी तो चले चलेंगे। ठीक है अम्मी, चलो। अम्मी चलो ना। नहीं बेटे, शाम हो गई है। मैं हूं ना, फिक्र। अच्छा ला मुझे दे। चलो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हम लोगों को यहाँ से नहीं आना चाहिए था। क्यों अम्मी, आपके साथ तो इतना बहादुर जवान लड़का है, फिर आपको डरने की क्या बात है? अच्छा तू इतना जवान हो गया, कहो तो मामू जान के साथ तेरा भी निकाह पढ़वा दूं। वैसे आइडिया अच्छा है, मेरी नजर में एक लड़की है, कहो तो दिखा दूं। चल, पूरा मामू पे गया है। आखिर भांजा किसका हूं? क्या कर रहे हो आप लोग यहां पे? यहां मुझ लगी हुई है, सामने आता हूं। आ गया, भागो यहां से। मैं कह चुका हूं कि अभी बॉडीज नहीं मिल सकती, पोस्टमार्टम चल रहा है। डॉक्टर साहब मैं नहीं चाहता कि आप। तुम्हारे चाहने न चाहने से क्या होता है, चाहते तो बहुत कुछ हो तुम लोग। क्या मतलब डॉक्टर साहब? मतलब
मतलब ये कि तुम सब के सब कीड़े हो, गंदी नाली के कीड़े। सालों, तुम्हारा अपना कोई मर जाए तो चिल्ला चिल्ला कर आसमान सिर पे उठा लेते हो, और बेगुनाह हिंदुओं के गले काटते हो, तुम्हारा हाथ तक नहीं कांपता। कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया तुम लोगों ने। अरे वहीं क्यों नहीं लौट जाते, यहाँ से आए हो अपने मुल्क पाकिस्तान में? जानवर कहीं के? हाँ हाँ, जानवर है हम, लेकिन ये जानवर आया कहाँ से? अपनी माँ की कोख से। इसे पैदा किया तुम लोगों ने, तुम्हारे इस मुल्क ने। मरोगे सालों, सबके सब मरोगे। असलियत मालूम पड़ेगी ना तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तुम कहना क्या चाहते हो? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है तुमने? मैंने पढ़ी है। उसमें साफ साफ लिखा है कि आप और फैजल की मौत बीएसएफ वालों की गोलियों से हुई है, और ना जाने कितने सारे लोगों को इन हिंदुस्तानियों ने मौत के घाट उतार दिया। मैं पूछता हूं, क्या कसूर है हमारा, क्या गुनाह है हमारा? इस मुल्क को अपना मुल्क समझा, यहां के रहने वालों को अपना भाई, यही कसूर है ना? दरअसल इस मुल्क में मुसलमान होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। यूं तो ये सेक्युलरिज्म का ढोंग रस्ते हैं, लेकिन सच ये है कि इनके दिलों में हमारे लिए कोई इज्जत नहीं। अपना मुल्क तो सरहद के उस पार है, लेकिन दुख इस बात का है कि गैरों के लिए हमने अपनों को छोड़ दिया। जो गुजर गया उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता मेरे दोस्त, लेकिन हमारी कौम में कोई और आपा, कोई और फैजल ना हो, इसके लिए लड़ तो जरूर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये बंदूक उठाई। उठो शब्बीर और कूद जाओ इस जंग में, इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जंग में, ताकि तुम अपनी कश्मीरी कौम को एक महफूज कल दे सको, वो कल जहां कश्मीरी अमन और चैन के साथ रह सके। उठाओ और कूद जाओ। शबीर मेरी बात सुनो, शबीर खुदा के लिए मत जाओ, शबीर रुक जाओ, शबीर शबीर शबीर, शबीर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरी बात गौर से सुनो शबनम, तुम्हारा शबीर मर चुका है, एक नए शबीर ने जन्म लिया है जो एक कफन बांधकर कश्मीर की आजादी के लिए लड़ेगा। या तो एक कफन कश्मीर की आजादी पे उतरेगा, या फिर मेरे साथ मेरी कब्र में जाएगा। वो जिंदगी से नाराज है और उसकी यही नाराजगी गोलियां बन के बरस रही है। साहब मैं जानती हूँ, एक ना एक दिन उसका भी वही हश्र होगा जो हर मुजरिम का होता है। अगर आप चाहें तो शब्बीर की जान बख्श सकते हैं, उसे फिर से एक नेक हिंदुस्तानी बनने का मौका दे सकते हैं, और हो सकता है कि सरकार की रहमदिली देकर कुछ और कश्मीरी नौजवानों को इबरत हासिल हो और वो शब्बीर बनने से बच जाएं। साहब हमें तुमसे पूरी हमदर्दी है, वैसे ही जैसे कि इंसान को दूसरे इंसान से होती है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा शब्बीर खान इंसानियत की सारी हदों को तोड़कर बहुत आगे निकल चुका है। अब वो कानून की निगाहों में इंसान नहीं बल्कि आतंकवादी है, देशद्रोही। ऐसा मत कहिए साहब, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। कोई सूरत, कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे शब्बीर की जान बच सके। मुख्यमंत्री जी, जी आप बात करें। एक रास्ता है, अगर शब्बीर खान खुद को सरेंडर कर दे तो उसे खुद को कानून के हवाले करना होगा, बंधकों को आजाद करना होगा। मैं वादा करता हूँ उसकी जान बख्श दी जाएगी, कानून उसे माफ कर देगा, उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है साहब? अगर वो तुम्हारी बात मान लेता है तो हम उसे एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका जरूर देंगे, वरना। बात करो। फरमाइए मिनिस्टर साहब। शब्बीर, शबनम, शुक्र है तुम्हारी आवाज से सुन सकी मैं। तुम मिनिस्टर साहब के पास कैसे पहुंच गई? अपने आप को कानून के हवाले कर दो, उन बच्चों को छोड़ दो शब्बीर, मेरे लिए वापस आ जाओ। मिनिस्टर साहब को फोन दो प्लीज। हेलो। हालात ने मुझे ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां मैं खुद तय नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जिंदगी की ये कश्मकश मेरे हाथों से कोई ऐसा गुनाह ना करवा दे जो मैं करना नहीं चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ मिनिस्टर साहब कि आप मेरे आदमियों को लेकर यहाँ पहुंच जाएं। जल्द से जल्द।
शब्बीर, मैं तेरे बताए हुए चारों आदमियों को ले आया हूं। जांच लो, पहचान लो और तसल्ली कर दो। एलओसी के रेडार? एलओसी के तमाम रेडार्स डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं। ठीक है, मेरे साथियों को इधर भेज दो। नहीं शब्बीर, पहले तुम बच्चों और बाकी लोगों को यहां से रवाना करो। होश की बात करो मिनिस्टर, तुम शायद भूल गए तुम कहां खड़े हो। यहां तुम मिनिस्टर नहीं हो, यहां तुम हुक्म देने नहीं लेने आए हो। और हमारे कमांडर का पहला हुक्म है, हमारे साथियों को यहां भेजो। खुशामदीद, खुशामदीद जलालुद्दीन साहब, हमारी फतेह हुई, आजादी मुबारक। शब्बीर, धोखा हुआ है हमारे साथ। कैसा धोखा? हमारे जिस्म पर बॉम्ब्स लगे हुए हैं। बॉम्ब्स? क्या? कपड़े उठाकर देख लो। इसे रिमोट बॉम्ब कहते हैं शब्बीर खान, और ये रहा इसका रिमोट कंट्रोल। ऐसे ही एक बॉम्ब बेल्ट तेरे बाकी तीनों साथियों के जिस्मों से बंधी है। अपने साथियों से कह दो कि अपने अपने हथियार गिरा दें। एक दो हथियार। क्या कर रहे हैं कमांडर? बाजी हमारे हाथों में है, हुक्म दीजिए, भून डालूंगा इसे। अरे रुक जाओ, हथियार फेंक दो। मेरी बात मानिए कमांडर, इसकी बातों में मत आइए, ये कुछ नहीं कर सकता। सुना नहीं लड़के, हथियार गिरा, ये मेरा हुक्म है। चीज को सुल्तान कहते हैं। चीफ हूं मैं एमकेएफ का, और ये सब मेरे बच्चे हैं। अब देखिए ना, जरा सी जल्दबाजी से कितनी गड़बड़ हो सकती थी। उस हेलीकॉप्टर की जगह आपकी शरीकी हयात, और उन्होंने मने बच्चे के टुकड़े इधर उधर बिखरे मिलते हैं। हम जानते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है, अच्छी तरह से जानते हैं। आप लोग यहां से सोचते हो, यहां से, और हम लोग यहां से सोचते हैं, यहां से। हिंदुस्तान को हासिल करने का ख्याल अपने जहन से निकाल दे सुल्तान, क्या खाकर हासिल करेगा हमारे हिंदुस्तान को। अरे जितनी तेरे मुल्क की आबादी नहीं है, उतनी तो हमारी फौजें हैं, और उन फौजों के साथ खड़े हैं हमारे 100 करोड़ हिंदुस्तानी। उनके आत्मसम्मान को ललकारना बंद कर सुल्तान, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तमाम बंदिशें और सरहदों को तोड़कर हमारे 100 करोड़ हिंदुस्तानी तुम्हारे मुल्क को नेस्तो नाबूद कर दें, तुम्हारा नामो निशान तक मिटा डालें। ना कोई वार्ता, ना कोई समझौता, सीधा इंसाफ। इंसाफ तो हम करते हैं होम मिनिस्टर। चलिए मॉम, निकलिए यहां से। कम ऑन एवरीबॉडी, मूव फास्ट। कौन सबका रन? जल्दी चलो, कम ऑन, जल्दी चलो, जल्दी निकलो, जल्दी, कम ऑन। ये क्या किया बेवकूफ? इस औरत ने मुझे राखी बांधी है चीफ। राखी? शब्बीर खान, तू मुसलमान है? क्यों, मुसलमानों की बहनें नहीं होती क्या? ये हिंदुस्तानी है, दुश्मन है हमारी। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस औरत ने मुझे अपना भाई माना है, और इसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। जज्बाती कश्मीरी नहीं छोड़ूंगा। हाँ?
याद है मोहम्मद जलालुद्दीन, मैंने तुझसे क्या कहा था कि तूने हिंदुस्तान की शांति देखी है, हिंदुस्तान की क्रांति नहीं, हिंदुस्तान का सब्र देखा है तूने, हिंदुस्तान का जुनून नहीं। अब देख हिंदुस्तान का जुनून, देख हिंदुस्तान का जलवा। कुछ नहीं हो सकता आपा, आपका भाई अभी जिंदा है, अपना ख्याल रखिए, चलिए चलो आओ बच्चों। हिंदुस्तान चाहिए, हमारा हिंदुस्तान चाहिए। उठ, क्या खाकर लेगा हमारा हिंदुस्तान, बोल सुल्तान, क्या खाकर लेगा हमारा हिंदुस्तान, वो देख हमारा हिंदुस्तान। ये है हमारा हिंदुस्तान। चलो, ये क्या कर रहे हो आप? मैं आपका मुजाहिद, आपका साहबान। मेरे जैसे मुजाहिद तो हम हर रोज पैदा करते हैं। अरे अब
बहुत रोन चुके कश्मीर की मासूमियत को, बहुत खेल चुके मजहब से, मरो सालों। राम यहाँ रहमान यहाँ सतगुरु जीजस श्याम यहाँ ये भारत की भूमि जिस जय हिंद। हिंद वालों की यही तो शान है, ये शान है, ये शान है आस में ओ, आस में कुछ हो ना हो ईमान है लहे राजे उन। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते शब्बीर खान। जय हिंद साहब। जय हिंद। जिंदगी कुर्बान है पास में